हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लो पॉइंटर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि मैं एक लो चैलेंज सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जो कि एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, उन सबको कवर करूंगा। मैं आपसे डेली क्वेश्चंस पूछूंगा और उसकी जो आंसर की है मैं आपको शाम को अपलोड करूंगा। आपको करना है कि आपको क्वेश्चन वाइज क्या करना है कि कमेंट में जाके आपको आंसर वहीं पे लिख देना है साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ते ही। अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत टाइप मत कीजिएगा, या फिर आप कर सकते हैं कि आप एक नोटबुक बना सकते हैं, उसमें भी जो है आप क्वेश्चंस लिख के और उसका आंसर लिख सकते हैं। बट आप गलत मत, ऑप्शन जो है मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा, उसमें से आप अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, आप गलत मत बताइएगा। तो फ्रेंड आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स रैदर देन फेडरल स्टेट विद सब्सिडियरी यूनिटरी फीचर्स। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है यूनिटरी स्टेट और किसके साथ, सब्सिडियरी फीचर्स, फेडरल फीचर्स के साथ, बजाय इसके कि फेडरल स्टेट विथ सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, इसमें चार ऑप्शंस है, सर इवोर जैनिंग्स, ए वी डाइसी, प्रोफेसर के सी वियर और एस ए डैस स्मिथ। तो आपको ये इसका आंसर राइट बताना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड डैट स्टेट्स डू नॉट इंजॉय सोवर्जिनिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ फेडरल कैरेक्टर इन द स्ट्रिक्ट सेंस। यानी कि ये क्वेश्चन कहता है कि जो स्टेट है उसको वो इंजॉय नहीं करते सोवर्जेनिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कैरेक्टर नहीं देता है स्ट्रिक्ट सेंस में, इसलिए जो है स्टेट जो है वो सोवर्जेनिटी इंजॉय नहीं करते। तो ये किस केस में क्या गया, इसका आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो इन चार ऑप्शंस में से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, कमिटेड जुडिशरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, इन चारों में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का सेलियंट फीचर नहीं है। आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे सेलियंट फीचर्स हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का सेलियंट फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर पार्ट ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल फीचर्स भी है और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। तो एस आर बोमई के केस में ये ऑब्जर्वेशन किसने दी थी, तो इसमें चार जस्टिस का नाम दिया गया है, जस्टिस ए एम अहमदी, जस्टिस जे एस वर्मा, जस्टिस पी बी सावंत और जस्टिस आर एस आर पांडियन। सो इनका ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लीगल सोवर्जिनिटी इन इंडिया रिसाइड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड नॉट इन वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस आइडियोलॉजी वॉज एक्सप्रेस्ड इन। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो लीगल सोवर्जिनिटी है वो रिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन में खुद में, और वो रिसाइड नहीं करती वी द पीपल ऑफ इंडिया में। तो ये आइडियोलॉजी किस केस में एक्सप्रेस की गई है, इसमें चार ऑप्शन है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज ए के गुप्ता केस, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ और केशवानंद भारती केस, इसका आपको सही आंसर बताना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्स अवर सेल्स एज अ सोवरेन रिपब्लिक इन होम डज द सोवर्जेनिटी वेस्ट। यानी कि जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोक्लेम करता है हमें सोवरेन रिपब्लिक, और वो जो सोवर्जेनिटी है वो किस में वेस्ट करती है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट या फिर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से किस में सोवर्जिनिटी जो है वो वेस्ट करते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द, यानी कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका आइडिया किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, इटालियन, कैनेडियन, फ्रेंच और यूएसए। आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडिड बाय। आप जानते हैं दोस्तों 42nd अमेंडमेंट हुआ था और उससे हमारे सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रेटिव वर्ड ऐड हुए थे। सो हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट तो मैंने आपको बता दिया, इसमें सेक्शन एक्चुअली आपको बताना है कि सेक्शन 2, 3, 4, 5 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट कौन से उससे ऐड हुआ था वर्ड सोशलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकुलरिज्म एज अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन बिफोर द वर्ड सेकुलर वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल। यानी कि दोस्तों सेकुलर जो वर्ड है वो 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उससे प्रियम्बल में ऐड किया गया था, बट उससे पहले भी सेकुलर इनको बेसिक फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेयर कर दिया गया था। वो किस केस में किया गया था, इसमें चार ऑप्शन है, इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण,
केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, वमन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर समाथा वर्सेज स्टेट ऑफ एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरप्रिटेटिव वैल्यू प्रियम्बल वाज डिस्कस्ड इन, यानी कि प्रियम्बल की इंटरप्रिटेटिव वैल्यू किस केस में डिस्कस की गई थी। तो वो उसके आपको मैं चार ऑप्शन बता देता हूँ, री बेरोबेरो यूनियन, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज आज़ादी बचाओ आंदोलन, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज शांतिलाल मंगलदास, या फिर नोन ऑफ द एबो। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू, यानी कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिक्योर करता है जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी किसकी, ऑल पर्सन्स की, दोज वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन्स, दोज सिटीजन्स वो डिसाइड विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम, यानी कि जो पार्लियामेंट की पावर है कोई नया स्टेट बनाने की या फिर किसी भी एरिया और बाउंड्री को अल्टर करने की, तो वो कहाँ से ड्रॉ की गई है, लिस्ट वन यूनियन लिस्ट से, लिस्ट थ्री कंक्रेंट लिस्ट से, या फिर जो आर्टिकल 246 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ से, या फिर नॉन ऑफ द एबो। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, आपको आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड, ये था इस वीडियो में, ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं डेली डेली कुछ क्वेश्चन, इसमें मैंने कम क्वेश्चन है, बट जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा और आप अपना जो है स्कोर चेक कर सकते हैं, शाम को मैं इसकी आंसर के लेके आऊँगा। सो फ्रेंड, ये था इस वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड, बाय।